जिला खान अधिकारी अशोक कुमार ने ईंट भट्टा मालिकों को 30 नवंबर तक विकास शुल्क जमा करने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर 18% की दर से ब्याज भुगतना होगा। शासन ने प्रत्येक ईंट भट्टा के लिए रॉयल्टी और खनन शुल्क को समाप्त कर विनियमन शुल्क अर्थात विकास शुल्क लगाया है। विकास शुल्क की गणना पहले 30 मार्च के बाद होती थी। जिला खान अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार शासन आदेश के तहत इस वर्ष शासन ने ईंट भट्टा मालिकों को 30 नवंबर तक विकास शुल्क जमा करने के निर्देश दिए हैं। आवेदन के साथ आवेदन शुल्क 2000 रुपए, ईंट भट्टा स्वामी का विवरण, मिट्टी के खनन क्षेत्र का विवरण, भट्टा सत्र सहित सभी जरूरी जानकारी भरनी पड़ेगी। आवेदन पत्र के साथ ईंट भट्टा के संबंध में रॉयल्टी, विनियमन शुल्क, बकाया न होने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। ईंट भट्टों का चलान ऑनलाइन जमा होगा। अभी तक ऑफलाइन की प्रक्रिया हमारे यहाँ पर थी, मतलब नया जीव आ गया कि सब भट्टे वाले ऑनलाइन जमा करेंगे। दूसरा ये है कि जो हम लोग ब्याज की गणना करते थे अब तक, वो मार्च से क्या करते थे, अब 30 नवंबर के बाद ब्याज विधि होगा जी। अगर 30 नवंबर के बाद कोई भी भट्टा मालिक चलान जमा करता है तो 18% ब्याज की दर से उसको ब्याज मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे सर, 30 तारीख इसकी डेट है, क्या अपील करना चाहेंगे आप? भट्टों से यही कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे भट्टे वाले हैं जनपद के, सब 30 नवंबर तक अपना रॉयल्टी जमा कर दें ताकि ब्याज से राहत मिले। सर जो साइट पर जो ऑनलाइन करेंगे इसके लिए क्या प्रक्रिया है? बहुत ही सिंपल साइट आपकी बना दी गई है, हमारी यूपी माइंस एचडीसी की साइट है, उस पर आप क्लिक करेंगे, भट्टे एप्लीकेशन खुल जाएगी और आप उसमें डिटेल भरेंगे, चलान आपका क्लियर हो जाएगा।